हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको श्रवण कराती हूँ देव दीपावली मनाने के पीछे का कारण। देव दीपावली का महत्व, पूजा विधि और देव दीपावली की पौराणिक कथा। पहले सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसे देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। इस साल दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसके ठीक 15 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात की खुशी को दर्शाने के लिए देव दीपावली के दिन सभी देवता धरती पर आकर गंगा किनारे दीप प्रज्वलित करते हैं और इसी कारण से हर साल देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब श्रवण करते हैं देव दीपावली का महत्व। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के दिन जिस प्रकार से पृथ्वी लोक पर मनुष्य दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से देवता भी दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाते हैं। दिवाली के 15 दिन बाद देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन सभी देव गंगा नदी के घाट पर आकर दीप प्रज्वलित करते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए, जिसके बाद भगवान शिव ने देवताओं की विनती को स्वीकार करते हुए त्रिपुरासुर का वध कर दिया। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। कार्तिक मास वैसे भी त्योहारों और व्रत के लिए जाना जाता है। इसी कारण इस महीने में पूजा पाठ, जप, तप, साधना आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं देव दीपावली पूजा विधि। देव दीपावली के दिन साधक को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अवश्य करें। भगवान शिव को इस दिन पूजा में पुष्प, घी, बेलपत्र अर्पित करें और भगवान विष्णु को पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और देव दीपावली की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें। अंत में भगवान शिव और भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाएं और शाम के समय गंगा घाट पर दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देव दीपावली की कथा। हर हर शिव शंभु। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुर नामक राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक तीर्थराज प्रयाग में कठोर तप किया था। उसकी तपस्या से तीनों लोकों हिलने लगे थे। त्रिपुर की तपस्या देखकर सभी देवता गण भयभीत हो गए और उन्होंने त्रिपुर की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अप्सराओं को त्रिपुर के पास उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वह अप्सराएं त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं कर सकी।
अंत में ब्रह्मा जी को त्रिपुर की तपस्या के आगे विवश होकर उसे वर देने के लिए आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर के पास आकर उसे वर मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से किसी मनुष्य या देवता के हाथों न मारे जाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर त्रिपुर सबसे शक्तिशाली बन गया था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। इसके बाद त्रिपुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं ने एक योजना बनाकर त्रिपुर को भगवान शिव के साथ युद्ध करने में व्यस्त कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सहायता प्राप्त करके त्रिपुर का अंत कर दिया। इसी कारण से देवता अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आए हो। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।